याद कराना चाहता हूं कि ये अपने समय को याद करें कि कितने मासूमों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद की है। आज भी ये हत्या के आरोपी हैं, पता नहीं किस किस के पांव छूकर आगे बढ़ते रहते हैं। ये जातीय उन्माद फैलाने वाले व्यक्ति को मैं बता देना चाहता हूं, लेकिन इन्हें याद करना चाहिए कि अपने ही जातीय बाहुल्य क्षेत्र से इनकी जमानत जब्त होती है। पूर्णिया में लोगों को तरह तरह की आशंकाएं उनके मन में आ रही है, वो तकलीफ में घूम रहे हैं। तो ये आदमी को समझना चाहिए कि इनका अब समय समाप्त हो गया, ऐसे लोगों को समाज में लोग नहीं देखना चाहते। ये एक गिरोह चलाते हैं और अच्छा होगा कि उस गिरोह को ये एक नाटक कंपनी में परिवर्तित कर दें, ये नाटक करना बंद कर दें। किसी पे कोई किसी तरह का इनके कहने से ना प्रभाव पड़ रहा है ना कुछ हो रहा है। इनके शुभ चिंतकों को चाहिए कि अब ये जेल के पीछे तो बहुत दिन रहा है, लेकिन ये मानसिक रूप से विक्षुब्ध लगते हैं मुझे। इनके शुभ चिंतकों को इनकी मानसिक इलाज करवा देनी चाहिए ताकि इनका कुछ भला हो सके। नमस्कार, अभी अभी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि मेरे द्वारा जारी किया गया एक पुराना वीडियो जो मैंने किसी और संदर्भ में लोगों के बीच रखा था, उसका एक प्रत्याशी अपना संदेश उसके ऊपर डालकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही अनुचित है और गैर कानूनी भी है, और मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस गठबंधन के बड़े बड़े नेता अब अपने प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाने में सक्षम नहीं हैं और मेरे द्वारा दिए गए किसी पुराने वीडियो का सहारा ले रहे हैं। ये बहुत गलत है। मैंने अपने विचार इस लोकसभा के लिए बहुत पहले ही जग जाहिर कर दिया है कि मैं इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को न समर्थन दे रहा हूँ, न उनका विरोध कर रहा हूँ, बल्कि जनता के द्वारा लिए गए निर्णय के साथ रहूँगा। साथ ही अपने सभी समर्थकों को मैं कहना चाहूँगा कि यह लोकसभा चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अपने देश के लिए और अपने पूर्णिया के लिए दीर्घकालीन हित में जो होना चाहिए उस अनुसार निर्णय लें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो उचित ही लेंगे। और साथ ही मैं सभी प्रत्याशियों से भी कहना चाहूँगा कि राजनीतिक प्रतिपक्वता की परिचय दें और गलत ढंग से प्रचार न करें। कम समय बचा है, अपनी अपनी बात अपने अपने ठीक तरीके से जनता के बीच रखें और जनता के निर्णय का इंतज़ार करें। मैं भी पूर्णिया आऊँगा अपना मत देने के लिए, और उस समय सभी लोगों से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।